रहा है, कंपटीशन हो रहा है कि कौन पहले खाएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका तहमीज़ वर्ल्ड में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि हम लोग आपको गाड़ी में बैठे नज़र आ रहे हैं, वो हम गाड़ी में बैठे आपको क्यों नज़र आ रहे हैं, वो एक्चुअली यहाँ पे आज ना कोविड के बाद जो है ना देसी फूड देसी फूड फेस्टिवल लगा है, जिसकी वजह से हमने कहा चलो, हमने भी बिफोर कोविड देखा था, बड़ा मतलब बहुत इन्जॉय किया था, बड़ा ज़बरदस्त फूड फेस्टिवल था। तो आज फिर मतलब आफ्टर कोविड जो है वो लगा है, लेकिन एक जो है वो गलत काम हो गया। और वो गलत काम क्या हो गया है कि आज ना बारिश शुरू हो गई है और आउटडोर है, और लेकिन फिर भी मैंने सुना है कि स्टिल वो चल रहा है और मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ हुआ है और अब इवनिंग हो गई है। तो मेरे ख्याल में यही था कि शायद ना मॉर्निंग मतलब बारिश की वजह से मे बी वो पोस्टपोन हो जाए, लेकिन वो पोस्टपोन नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से हमने कहा चलें हम भी इंजॉय करते हैं और साथ आपके साथ भी शेयर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ के जो फूड फेस्टिवल देसी वो किस तरह से लगते हैं। और हर बार जो है वो न्यू तरीके से लगता है, तो मुझे भी पता नहीं कि वहाँ पे क्या क्या होगा। तो हसन, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा तैयबा मुझे ज़बरदस्ती की सीट के लेकर जा रही है। कल रात को भी इसने बहुत ज़्यादा काम करवाया। हाँ, और आज सोने का दिन था, लेकिन फिर भी मुझे घसीट के कल रात को तुम जाके जैसे गेस्ट गए हैं तुम सो चुके थे हसन, तो उससे पहले काम करवाएंगे, तो वो तो करना ही था। जारी सी बातें, यहाँ कौन से सर्वेंट है, हम मिल के करते हैं। बिल्कुल, ये बाहर हल्की हल्की ड्रिजलिंग टाइप हो रही है और उससे सर्दी की शिद्दत भी जो है वो बढ़ रही है, और जिसकी वजह से ये देखिए ना पूरा फॉगी फॉगी से लुक लग रही है। इस मौसम में बंदा बाहर बैठ के कोड़े खाए, आए हाय हाय हाय, मज़ा आ जाए, है ना सर? हम तो खाने पीने की बातें करते हैं क्योंकि हम खाते पीते लोग हैं। वो तो सारे ही खाते हैं, लेकिन कुछ हम ज़्यादा ही खाते हैं हमने आपके साथ मैंने ब्लॉग शेयर किया है कि रात को हानिया की बर्थडे पे इतना थक गई थी मैं, तो काम कर कर के पूरा हाल हो गया था। नहीं किए हैं बाद में, क्योंकि मैं मुझे बहुत नींद आ गई, मैं तो सो गया था। लेकिन इस सब में जो एक सबसे खास चीज़ है वो ये है कि जब मैंने ये कह दिया कि काम कल करेंगे, तो उसके बावजूद जो है वो क्या कहते हैं उसको नहीं अभी करना है। और नींद में मुझे आवाज़ें आ रही हैं कि मुसलसल मुझे बोली जा रही है सारे काम मैंने करने हैं, सब मैंने करना है, सब मेरे जिम्मे डाल दिया है। तो भाई सुबह उठ के मेरे साथ कर लो, जब खुद करना तो फिर बातें क्यों कर रहे हो? मुझे था इससे तुम्हें बोल रही थी कि शायद तुम्हें थोड़ा एहसास हो जाए। नहीं, नींद में बिल्कुल एहसास नहीं होता। हाँ, नींद में तुम्हें जैसे तुमने रात को नशा कर लिया था खाने का। मुझे बहुत नींद आ रही थी क्योंकि खा बहुत लिया था ना। परसों भी सुबह जो है वो मैं बहुत अर्ली उठ गया था, और कल भी तो जो है वो क्या कहते हैं उसको, क्योंकि काम तो सारे दावत के अलावा भी काम होते हैं, तो वो फिर सारे निपटाने थे। तो बेगम को देखो, बेगम तो डेली अर्ली उठती है। बेगम के क्या कहने, बेगम जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हाँ, अच्छा। और कल खाना जो है वो जो बनाया था बहुत ही कमाल बनाया था, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी अल्लाह का शुक्र है, बहुत तारीफ हो गई, सबको पसंद आ गया। वैसे तारीफ का भूखा होता है, आपको आपकी मेहनत पे अगर जो है वो तारीफ एप्रिसिएशन मिल जाती है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो किसी ने कुछ नहीं देना, अप्रिशिएट ही करना आपको। तो जब आपको एप्रिसिएशन मिल जाती है तो दैट मीन्स कि आपके पैसे पूरे हो गए हैं। तो उसमें जो है जो लोग कंजूसी करते हैं, खा पी के तारीफ़ नहीं करते और घर पर अपने वापस निकल जाते हैं, तो उनको भी चाहिए कि थोड़ी बहुत तारीफ़ कर दिया करें, ताकि जो है वो बनाने वाला नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाए। आप किसी के जाते हो तो झूठी तारीफ़ कर दो, अगर चंगा ना भी लगे थे हर औरत जो है वो तारीफ़ की भूखी होती है, चाहे वो कपड़ों में हो, चाहे वो मेकअप में हो, चाहे वो खाना बनाने में हो, है ना सर? औरत बेचारी छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाती है ना, तो वो बहुत खुश होती है। इतनी छोटी छोटी तारीफ आप उसकी करें और वो ऐसे खुश हो जाती है। ये इतना फैलाने की जरूरत क्या थी यार, इसका क्या मतलब था? ये भी थोड़ा क्योंकि मेरे आधा भी इतना ही फैला गाड़ी में होने, तो इतनी छोटी तारीफ से खुश हो जाती है। इतनी बड़ी खुशी कौन सी होती है जो तुम मुझे ये जो एक्टिंग करके दिखा रहे हो, छोटी छोटी खुशी। हाँ बिल्कुल, बेचारी को आप कह दो तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो कहेगी हाँ ये मैं इतनी सही लग रही हूँ, ओके मैं खुश हो गई। जूता कितना अच्छा लग रहा है, मैं खुश हो गई। खाना बहुत अच्छा बनाया, मैं खुश हो गई। और औरत से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? हाँ नहीं, औरत जल्दी खुश हो जाती है। आदमी कभी खुश नहीं होता, ये तो कंफर्म है ना। आदमी नहीं खुश हो सकता कभी अपनी घर की बीवी से, घर की बीवी से, चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, सुगड़ हो, प्यारी हो, बारबी डॉल हो, है ना, लेकिन अपने घर की क्या, अपनी मूली तो हो जाते हैं, बाकी का पता अपनी क्या कहते हैं, अपनी घर की खेत की, वो वैसे क्या कहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन हम तो कुछ, हाँ वो तो तुम कहोगे, वो तो मुझे पता है ना। सही बात, सही बात तो मैं बताऊँ तो तुम्हारी जो है ना वो रोंटे खड़े हो जाए। हाँ, तो पहुँच गए हैं हम लोग और शुक्र है अभी फेस्टिवल चल रहा है और बारिश भी रुक चुकी है क्योंकि मैं आ गई हूँ, है ना सर। तो लेकिन पार्किंग नहीं मिल रही है, हम यहाँ पे 10 मिनट से पार्किंग ढूंढ रहे हैं। अभी हम लेट आए हैं, हाँ अभी हम लेट आए हैं, तो इतना रश है। तो सोचें जब ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ होगा तब कितना रश होगा यहाँ पे असल। ये देखिए जी, हम लोग एंटर हो गए हैं, हमें हसन ने उतार दिया है और पार्किंग अभी भी नहीं मिली है। हसन चले गए हैं पार्किंग ढूंढने के लिए और हम लोगों को यहाँ पे उतार गए हैं क्योंकि राबिया है आज मेरे साथ, तो राबिया के साथ जो है वो थोड़ा चलना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा चले मैं आपको ज़रा लुक कराऊँ। ये आप देख सकते हैं कितना रश हुआ हुआ है और अभी भी स्टिल हल्की हल्की बारिश हो रही है। और यहाँ तो उन्होंने टैंक्स में लगाए हुए हैं, आउटडोर जो है वो उन्होंने ट्रक्स में जो है वो फूड ट्रक्स लगाए हुए हैं। हानिया उराम राबिया हानिया, यहाँ पे उन्होंने कुछ स्टॉल जो हैं वो ज्वेलरी एंड कपड़ों के भी लगाए हुए हैं। और आई थिंक ये उन्होंने क्या लिखा हुआ है, लेटेस्ट फलस्तीन के ड्रेसेस है ना, आओ बेटा, तो ये उस टाइप के इन्होंने ये लगाए हुए हैं। यहाँ पर यहाँ पे ज्वेलरी लगी हुई है और आई थिंक ये सारी लाइक हैंडमेड ज्वेलरी है जो मैंने आपको शायद लास्ट टाइम भी दिखाई थी। देखें इस पे क्या लिखा हुआ है, इश्क एयरिंग्स है ये, इस पर इश्क लिखा हुआ है, ये लाम लिखा हुआ है, इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है इस पर, लेकिन अरबी लिखी हुई है। एंड प्लेन दोनों तरह के डम्पलिंग मिल रहे हैं। और इस तरफ जो है आई थिंक यहाँ भी डम्पलिंग और पता नहीं क्या है। यहाँ पे बोबा एंड फ्रेश गन्ने का रो है। और आओ मुरम बेटा, तो चलें जी आपको साथ साथ दिखाते हैं। अच्छा, स्मूथी, मिल्क टी, फ्रूट टी एंड कॉफ़ी एंड कैपेचिनो यहाँ मिल रही है। और एवरीथिंग इज़ हलाल हियर, थैंक गॉड। हम लोग कुछ भी खा सकते हैं धड़के से। इसके अलावा ये भी एक बोबा की शॉप है और ये जिमी बर्गर है। और ये यहाँ पे जो है आई थिंक ये फायरी चिकन बर्गर है। हसन ये आपका फेवरेट आ गया फायरी बर्गर, ये मेरे बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट है। और इनको तो खैर कोई भी बर्गर खिला दें। ये कोई या डिज़र्ट की शॉप है। और कम हो रहा, ये जहाँ पे हम लोग जाते हैं कैट्स में फलूदा पीने, ये उनका स्टॉल लगा हुआ है। और कम बेटा, ये सारा कैट्स का जो है यहाँ तक स्टॉल है। ये पापा रोटी का स्टॉल है और यहाँ पापा रोटी का स्टॉल भी लग गया। हानिया हमने अभी पापा रोटी यहाँ की ट्राई नहीं की है, तो लेट्स सी, हसन को तो शायद पापा रोटी बहुत पसंद है, हम यही ट्राई करें आज। ये मॉम स्पाइस के नेम से है, ये भी मैंने कभी पहले ट्राई नहीं किया। कम बेटा, लाइक बहुत सारे स्टॉल हैं, हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हमें क्या लेना है। तो चलें जी, मैं ऑर्डर देती हूँ, लाइन में खड़ी होती हूँ, तो फिर दिखाती हूँ आपको फाइनली कि मैंने क्या लिया है। हाय, फलूदा पीने को दिल कर गया है। तो देखिए पीती हूँ या नहीं पीती, या जाते हुए लेके जाती हूँ, कुछ ऐसा करती हूँ। और देखिए हमें कुछ भी लेने के लिए इतनी लंबी जो है ना वो लाइन में लगना पड़ेगा, तो ये तो काम हमारा हो गया लंबा। अब हानिया तुम्हें जो चाहिए तुम उस लाइन में लगोगी, जो मुझे चाहिए मैं उस लाइन में लगूंगी, ठीक है। मेरा बेटा मेरी लाइन में लगेगा। आप देखें ना तीनों हम चारों का जो है ना वो डिफरेंट हो गया है। हानिया को डम्पलिंग चाहिए, हुरम को बोबा चाहिए, और राबिया को देखो मैं क्या लेके देती हूँ उसको, तो आप जो लेते हैं वो खा लेगी। और हसन का भी अब है कि हसन खुद देखेंगे, फिर खुद देंगे आकर, तो देखते हैं। लेकिन ये कि मज़ा आ रहा है। हानिया हुरम मज़ा आ रहा है? कितना मज़ा आ रहा है आपको? देखें यहाँ पिज़्ज़ा बन रहा है और फ्रेश बेक कर रहे हैं हमारे, हम ऑर्डर देते हैं तो वो बनाते हैं। हादिया तुमने ये मिस कर दिया, तुम्हारा बिग डैश का भी यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। और बिग डैश में क्या लगा हुआ है, लाइक फ्लाफल है, नो फ्लाफल नहीं सॉरी, कुनाफा है, और आई थिंक न्यूट्रेला क्रेप भी है जो हादिया का ऑल टाइम फेवरेट है। यहाँ पे बर्गर कॉम्पिटिशन हो रहा है कि कौन पहले खाएगा। Man, these guys are swallowing it without biting. Come here. Come on, let's go. This is just one round. This guy finished the burger? Who did? No. Let's go. Who got this? What are we on time? 1 minute and 20 seconds down, and we got people close. Oh, eat it. Over here. We have to get the egg too. Egg was brown. Wait, the middle one is one big. The middle one is one maybe. Wipe it clean. Oh my God. Come on, you gotta eat everything. राबिया, नहीं जी मुझे और राबिया को तो यहाँ छोड़ गए हैं। और ये हमारे पीछे जो है वो ग्राउंड है जो कि काफ़ी हद तक भरा हुआ है, ऊपर भी स्टॉल लगे हुए हैं साइडों पे सारे। लोग लेट हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो रश काफ़ी ज़्यादा लोगों का। लाइन में मुझे लगा के हसन साहब और मज़े कर रहे हैं, और मुझे लाइन में मैं घंटा लगी हूँ, और मेरा इन्होंने लाइनों में हशर कर दिया है। तो जी फाइनली इन्होंने शवारमा लिया है। राबिया को हमने चिकन टिक्का पराठा लेके दिया था। हानिया आपने क्या लिया था? हानिया ने चिली मोमोज लिए हैं। हुरम आपने क्या लिया था? बोबा। और मामा ने बेचारी ने मम्मा ने इनके साथ ठुंगे मारी हैं, और इतनी सर्दी हो गई है कि आओ रम बेटा के राबिया का फेस देख सकते हैं। और अब बाकी क्योंकि ड्रिजलिंग हो रही है और बैठा भी नहीं जा रहा था, तो हमने कहा चलो बस अब बहुत हो गया है, इंजॉय करना कर लिया है, अब घर को चलें। क्योंकि बच्चे जो हैं वो आइसक्रीम और अब वो उस तरफ आने लगे थे, तो मैंने कहा नहीं सर्दी है, आइसक्रीम तो बिल्कुल भी नहीं, तो जिसकी वजह से अब हम लोग चल रहे हैं सलमान की तरफ। मैंने तो खाना खा लिया हुआ, मैं गाड़ी में खा के फुल हो गया। दीदी खाने बस खाएंगे ना, तो फिर बताऊंगा फूड फेस्टिवल से हमने कितने फायदे, तो हम लोग को बाहर लेके जाए खाने के लेके हैं, तो ये देखे बाहर कम राबिया। मिलते हैं रोटी का साइज देखना है। हानिया डालो।